वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं बेसन का ढोकला। वैसे ढोकला तो बहुत सारी चीज़ों से बना सकते हैं, जैसे सूजी से और बेसन और सूजी मिक्स करके, और खाली सूजी से भी बनाते हैं। तो यहाँ हमने बनाया है बेसन से ढोकला, और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही स्पंजी है। तो आइए हम अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी बेसन और 4 चम्मच नींबू का रस, थोड़ी सी शक्कर, हल्दी और नमक और 1 इनो का पैकेट। तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हमने बेसन निकाल लिया है, और बेसन में हम डालेंगे, पहले तो ही हमने ये बेसन अच्छे से छान लिया है ताकि इसमें कोई अशुद्धि वगैरह ना हो। और बेसन को लेने के बाद फिर इसमें हमने डाला है नमक, हल्दी और शक्कर। इसमें हम खाने वाला सोडा नहीं डालेंगे। कई बार कुछ लोग ऐसा होता है कि खाने का सोडा डाल देते हैं, तो उसके वजह से हल्दी और नींबू के रस से इसका जो कलर होता है वो लाल हो जाता है। तो इसमें हमें खाने वाला सोडा बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इसमें ये सारी चीज़ें मिलाकर फिर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये हमने 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी। हल्दी भी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, बस ज़रा सी डालनी है, थोड़ा सा कलर आ जाए इसमें। और 1/2 चम्मच हमने शक्कर डाली है, और स्वाद के अनुसार ज़रा सा हमने नमक डाला है। और इसमें हमने 4 चम्मच नींबू का रस डाला है, और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये 4 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है, और इसे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे इसके एक घोल बनाएंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो जो घोल है वो हमारा पतला हो जाएगा, तो फिर इसका जो ढोकला है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसका बैटर ज़्यादा हमें गाढ़ा भी नहीं रखना है, नहीं तो वो तो भी सॉफ्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, और इसको हमें एक साइड ही अच्छी तरह से फेंटना है। बस पानी हमें ज़रा ज़रा सा करके ही इसमें डालना है, और ये पानी डालते जाएंगे, और इसका जो है घोल वो हम अच्छी तरह से इसको फेंट कर इसका घोल जो है रेडी कर लेंगे हम। और हमने एक जो ढोकला बनाने वाला जो स्टैंड था उसमें हमने पानी डालकर उसे रख दिया है, और इस प्लेट को हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। और इसी बर्तन में हमें ढोकला बनाना है, और ग्रीस करने के बाद जब हम ढोकला बनाने का जब आएगा टाइम, तभी लास्ट में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच इनो पाउडर, और इसको बस ज़रा सा ही घोलेंगे, इसे हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। ये जो बैटर है इनो डालने के बाद ये फूलने लगेगा, और तुरंत ही हमें जिस प्लेट को हमने ग्रीस किया था उसमें ये बैटर को हमें डालना। देखिए जो बैटर है वो हमारा फूल गया है इनो डालने के बाद, और इसे अब हम डाल देंगे, और इसे चारों तरफ से हमने अच्छी तरह से फैला लिया है, और इसे हम अब पकने के लिए भाप में रख देंगे। और इसको हमें धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट तक पकाना है। और इसका ढक्कन हमने बंद कर दिया है, और इसे अब हम पका लेंगे 20 से 25 मिनट तक। और टाइम हो गया है हमारे 25 मिनट। अब इसमें हमने चाकू डालकर देखा है, देखिए चाकू बिल्कुल साफ है। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें डालेंगे सरसों के दाने, लंबी कटी हुई हरी मिर्च, करी पत्ता, और इसमें डाल देंगे हम 1 नींबू का रस और थोड़ी सी शक्कर और पानी। इस तरह से ये तड़का है वो तैयार हो जाएगा हमारा। और पानी थोड़ा सा हमें
मतलब इतना रखना है कि जो पूरा जो ढोकला है उसके ऊपर हमें से फैला दें। थोड़ी सी इसमें हमने शक्कर डाल दी है और एक नींबू का रस डाल दिया है इसमें हम। और ये है जो हमारा तड़का है वो तैयार हो गया है और ढोकला भी हमारा तैयार है। अब इसके ऊपर इसे हम फैला देंगे और इसके हम पीसेस काट लेंगे। तो पीस हमें तभी काटने हैं जब ये ढोकला जो है थोड़ा ठंडा हो जाए। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है और कितना स्पंजी बना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो वीडियो को आप फुल वॉच करिए और कमेंट कीजिए।